अनुग्रहित सुबह में आप सभी का अभिनंदन। आज के वचन के मनन के लिए आइए हम भजन संहिता 3 और उसका 5 और 6 वचन को पढ़ें। मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। अनुग्रहित वचन के आधार पर आज हम लोग दृढ़ विश्वास के विषय में मनन करने के लिए परमेश्वर पर आश्रित हो जाएं। हम लोगों में से अधिकतर लोग जीवन में छोटी मोटी विपत्तियों व परेशानियों में निराश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भजन लिखने वाला यूं कहता है कि मेरे विरोधी चाहे कितने ही क्यों ना हो, चाहे वे 10,000 ही क्यों ना हो, यदि सभी लोग यह भी कहने लगे कि परमेश्वर भी मुझे नहीं बचा सकता, फिर भी वह कहता है कि मैं लेट गया और क्योंकि परमेश्वर मुझे संभालता है इसलिए मैं फिर जाग उठा। गीतकार कहता है कि मैं उन 10,000 मनुष्यों से जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांती बांधे खड़े हैं नहीं डरता। मेरे प्रियजनों, जिस किसी व्यक्ति में दृढ़ विश्वास होता है वही अपनी जिंदगी में विपत्तियों व परेशानियों में इस तरह से विश्वास की बातें बोल सकता है। विपत्तियां चाहे कितनी ही बढ़ जाए या शत्रु चाहे कितने ही बढ़ जाए, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर में स्थिर होने पाए, विश्वास दृढ़ होने पाए। 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में दौड़ की प्रतियोगिता में प्रथम आने वाली स्त्री योलंडा गेल डेवर्स एक अद्भुत प्रतिभा है। उन्होंने अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद में इस प्रकार से घोषणा की कि यदि किसी को परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरे प्रियजनों, आप लोग सोचेंगे कि हर एक मुकाबले में एक विजेता तो होता ही है, तो किसी विजेता के इस प्रकार की घोषणा को हम क्यों सुने। लेकिन गेल डेवर्स की कहानी एक साधारण कहानी नहीं है। गेल अपने स्कूल के दिनों से ही बहुत तेज दौड़ लगाने वाली थी। 1988 के ओलंपिक के लिए उसने क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उसे सेमीफाइनल में बाहर निकलना पड़ा। 1990 तक उसका पूरा शरीर रोग से बाधित हो गया। बीमारी के कारण आने वाले ओलंपिक और दूसरे मुकाबलों में वह भाग नहीं ले सकती थी। उसके इलाज के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट और थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी की गई। इन सब के कारण उसके पैरों में सूजन आ गई और बिना किसी सहारे के वह चल नहीं सकती थी, और धीरे धीरे वह पूरी तरह से बिस्तर पर ही पड़ गई। उसके इलाज करने वाले डॉक्टरों ने कहा यदि इसको जीवित बचाना है तो जल्द से जल्द इसके पैरों को काटना पड़ेगा। लेकिन ना तो वो निराश हुई और ना उसने डॉक्टरों के बातों पर कान लगाया। कुछ महीनों बाद में उसकी हालत दिन ब दिन ठीक होती गई। 1991 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के 100 मीटर की बाधा दौड़ में उसने चांदी का पदक पाया। 1992 के ओलंपिक में एक हिरण की तरह बहुत तेज दौड़कर उसने 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। परमेश्वर ने उसको पहले स्थान पर आने के लिए सहायता किया। हमारे लिए यह एक कहानी मात्र ही नहीं है, परंतु एक जीवित गवाही भी है। चिकित्सकों ने जिस महिला को कुछ महीने पहले कहा था कि वह कभी अपने जीवन में चल नहीं पाएगी, परमेश्वर ने उसे सहायता किया और 1992 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धावक बन गई। 1993, 1997, 1999, 2003 और 2004 में वह अनेकों प्रतियोगिताओं में अग्रणी बनकर जीत हासिल की। मुझे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें। हमारा विश्वास किसी भी परिस्थिति में डगमगाने ना पाए और परमेश्वर हमें विजय प्रदान करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता, यदि कोई अपने जीवन में परेशानियों को और दिक्कतों को महसूस कर रहा है तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि यह वचन सुनकर उनके जीवन में शांति आए और अपने दृढ़ विश्वास के द्वारा परमेश्वर की जय को अपने जीवन में प्राप्त करें। यीशु के नाम से आमीन। आज का दिन मंगलमय हो।